ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रमोशन वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी SSSC द्वारा जो आगामी समय में एग्जाम लगने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे मोटिवेट रखना है अपने आप को, क्योंकि बिना मोटिवेट होके आप कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो एग्जाम है, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए युद्ध है और उस युद्ध में आपको जीतना है। वो आपके लिए दुश्मन है तो आपको हराना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेट होकर पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में हमने रखा है कि आज इस वीडियो में 6 ऐसी सीक्रेट चीज़ों के बारे में जो आपको निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचाएगी। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दो। देखो फ्रेंड्स, इस समय गवर्नमेंट का एक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है यूपी SSSC के रेफरेंस में, इसलिए अब पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब बैक टू बैक एग्जाम लगने वाले हैं। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किसी फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने से बेहतर है कि इस टाइम आप 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। और आपको जूनियर असिस्टेंट, VPO, स्टेनोग्राफर, जो भी अपने लाइफ में आप बनना चाहते हैं, वो बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये बात लिख के रख लो। देखो फ्रेंड्स, इस समय आपकी हालात चाहे जैसी हो, ठीक है, बस उस हालात पर आपको डटे रहना है, क्योंकि आपकी हालात चाहे जैसी हो बस आपको उस पर डटे रहना है, क्योंकि समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। और उसी प्रकार आपका समय भी भले खराब चल रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप फाइनली अपने आप को सिलेक्ट होकर दिखाएंगे कि मेरे अंदर वो ताकत थी, मेरे अंदर वो काबिलियत थी जो मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो आपकी हालात चाहे जैसे हो, बस आप उस पर डटे रहिए, और समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। उसी प्रकार आपको डटे रहना है, एक दिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है, बस आप डेडिकेट होकर लगे रहिए। देख, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अवसर सबको मिलते हैं खुद को साबित करने का। देखिए, इस टाइम जो है आपको खुद को साबित करने का अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो भर्ती है, इसमें देखिए किसी को नहीं पता था कि 15 कटाफ जाएगा या 17 कटाफ जाएगा या 50 कटाफ जाएगा। सभी का एक्सपेक्टेशन अलग अलग था, और इसी के चलते यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिल किए, लेकिन आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आपको यह मौका मिला है। तो फाइनली 15 नंबर पर कट ऑफ गया और आपको मौका मिल गया। तो 5512 में आप एक यूनिक स्टूडेंट्स हैं, 240,000 में जो भी क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, उसमें आप यूनिक स्टूडेंट्स हैं। तो अपने आप को साबित करिए। किस्मत का किसी को पता नहीं, लेकिन अवसर सभी को मिलते हैं, तो खुद को साबित करना पड़ेगा आपको। अगर आपको जो अवसर मिला है उसको खुद को साबित करिए, नहीं मेरे अंदर काबिलियत है, मैं इसे कर सकता हूँ। देखिए, पेट 2022 के माध्यम से किसी का 15 नंबर था, किसी का 50 नंबर था, और इस टाइम जो कंडीशन है सभी सेम पर हैं, यानी सब लोग बराबर पर हैं। जिसका 15 नंबर था वो भी मेंस का एग्जाम देगा, जिसका 70 नंबर था वो भी मेंस का एग्जाम देगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको डेडिकेट होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बराबरी कर सकते हैं। और इस प्रकार पढ़िए कि अब की बार फुल एंड फाइनल रहे, और जब फाइनल रिजल्ट आए उस PDF में आपका नाम होना ही चाहिए, और कुछ भी ना, इसके बाद दोबारा एग्जाम ना देना पड़े। ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी का एग्जाम नहीं देना है, जब भी देना है इसके बाद 4800 ग्रेड पे का देना या 4200 ग्रेड पे का, जो भी हो इसके ऊपर ही देना है, लेकिन अब 2000 ग्रेड पे का नहीं देना है। जूनियर असिस्टेंट जीवन का आखिरी एग्जाम मान लो, और आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। देखिए, ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक है, परंतु सिर्फ ज्ञान को ही अर्जित करते रहना मूर्खता है अगर उस ज्ञान का प्रयोग ना लाया जाए। अभी तक आपने हिंदी, रीजनिंग, UPGK, कंप्यूटर, GK, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, उससे आपको ज्ञान जो अर्जित हुआ है, अगर आप एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है, इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, हम इलाहाबाद लगा के आते हैं, तो हमारा क्या है, पढ़ना सब बेकार है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर वहाँ क्वेश्चन गलत करेंगे, तो आप चाहे यहाँ 8 घंटे पढ़िए, चाहे 10 घंटे पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता है। आपने क्वेश्चन गलत कर दिया या कोई नहीं देखने जाएगा कि आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन सही किया, बस वही माना जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति करना अच्छी बात है, लेकिन उसको सही सदुपयोग में लाना, तो सही सदुपयोग क्या है, आपको एग्जाम में क्रैक करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को सही टिक करना है, यही आपका सही सदुपयोग है, ठीक है। इसलिए जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। देखिए, संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिसमें आदमी अकेला होता है और सफलता दुनिया उसके साथ होती है, ठीक है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो आप अभी असफल हैं तो आपके बहुत कम दोस्त होंगे, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके बहुत कम दोस्त हैं। और अगर दोस्त बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को कमरे में कैद कर लीजिए,
बहाना करना सीखिए, प्रिटेंड करना सीखिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं। अगर बोलता है बार बार कि बाहर चलने के लिए, यहाँ चलने के लिए, वहाँ चलने के लिए, तो आप मना करना सीखिए और आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, क्योंकि आपके लक्ष्य के अलावा ठीक है कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ भी दिखता है तो सबसे बड़ा शत्रु वही है। ठीक है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। देखिए, इसके पहले आपने पढ़ाई की है या नहीं की है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आने वाला 90 दिन है, आने वाला जो 90 डेज है, ये आपका है और यह आपके हाथ में है। आने वाला 90 दिन आपके हाथ में, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए, और पढ़ते रहिए और आप इसमें सफलता हासिल करिए, क्योंकि बीता हुआ कल जो बीत गया उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल आपके दिमाग में सेव है। लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है और इसमें जो चीज़ें पूछी जाने वाली, आप सभी को पता है कि हिंदी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, जीके, तो इसको रट डालिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन होने से मतलब है। और इस बार आपके चलते आपके माँ बाप का नाम रोशन होना चाहिए, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग का सिलेक्शन इस बार जरूर होगा, ठीक है। बस आप लोग एकदम अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ाई करते रहिए और इस बार सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि यहाँ पर देखिए, सफल होने के लिए आपको निश्चित रूप से सिलेबस का पता होना चाहिए और सिलेबस में क्या चीज़ें पूछी जाने वाली ये भी चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सफल होने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक हमने प्रिपेयर किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का हो, वीपीओ का, फॉरेस्ट गार्ड का हो, किसी का भी एग्जाम हो, ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो आपको इस सिलेबस को फॉलो करे। बिल्कुल सिक्वेंस वाइज बनाया हमने, 100% ओरिएंटेड कंटेंट है। यहाँ पर हर एक टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को हमने क्लियर किया है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस बुक को आप जरूर परचेज करें। इसकी प्राइस की बात करें 100 रुपये इसकी प्राइस है और यहाँ पर आप इसको जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप फोनपे करके, स्क्रीनशॉट शेयर करके आप इस बुक को लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सही गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं। तो बिल्कुल 100% ओरिएंटेड कंटेंट है। देखिए, आपको सफलता पानी है तो आपको 6 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और वह 6 चीज़ें कौन सी है आप इसको नोट कर लीजिए। आपको हद से ज़्यादा मेहनत करना होगा, जितने स्टूडेंट्स 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 8 घंटे ही पढ़ेंगे तो बराबर पे रहेगा, कभी 0.5 से रुक जाएगा, कभी 0.2 से रुक जाएगा। तो लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी है, बुरी आदतों का त्याग करना है, यानी जो बैड हैबिट्स हैं उसको आपको धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही छोड़ देंगे, एक बार में नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे करके उसको छोड़ना है। तीसरी बातें क्या है, तीसरी है संघर्ष करने की हिम्मत रखना। भाई, संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी दुनिया साथ होती है। लेकिन संघर्ष करने की हिम्मत आप में है और आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, वीपीओ बन सकते हैं, कुछ भी हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। अपने काम पर विश्वास करें। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप हर एक काम को कर सकते हैं। धैर्य रखने की काबिलियत रखना, आपके अंदर धैर्य भी है तो आप धैर्य रखिए। अगर आप धैर्य नहीं रख सकते हैं, पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो आप धैर्य रखना शुरू कर दीजिए। अपने काम के प्रति जुनून रखना। देखिए, आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, वीपीओ बनना चाहते हैं, जो भी चीज़ें बनना चाहते हैं, आप अपने कार्य के प्रति अगर जुनून नहीं रखेंगे, अपने काम के प्रति जुनून नहीं रखेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं रखेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको सफलता पानी है तो इन 6 चीज़ों के बारे में आपको अपने रफ और पेन, ठीक है, रफ पर जो है आपको नोट कर लेना है, ताकि यहाँ पर आप बार बार इसको रिमाइंड करें, क्योंकि जो चीज़ें आप बार बार देखते हैं वो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती हैं। और फाइनली यही होता है कि जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है वही चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने लोग सफल हुए हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि वो हर चीज़ को लिखकर सामने रखते हैं या अपने पेपर पर रखने, अपने डायरी पर रखते हैं और वो चीज़ें बार बार देखते हैं और वो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और वही चीज़ें आप अपने लाइफ में करते हैं। जैसे आप सुबह का समय है तो सुबह का समय है, आप गुड मॉर्निंग अगर आप उठेंगे ना तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है। तो आप बार बार आप कहिए कि मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना है, मुझे वीपीओ बनना है, मुझे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम क्रैक करना है, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, वैसे वैसे आपको मैटर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन जगा हो अपने एग्जाम को सीरियसपन के लेकर,
तो आप लोग एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा चैनल पर। अगर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक बार जय बजरंगबली लिखकर जरूर जाइएगा।